रेड कलर भी अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसको शेड में उतार रहा हूँ रेड कलर को, और आराम आराम से करते जा रहा हूँ। बढ़ने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हो, मैं स्टेंसिल निकाल दिया है आराम से। तो अब हम टैटू को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि बताया मैंने, टैटू का जो प्रोसेस रहता है वो लंबा रहता है, तो मैं टाइम लेंथ में फास्ट कर रहा हूँ। तो ये अपन पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़े टैटू में अधिकतर लोग नीचे से करते हैं, कोई ऊपर से करता है, मैं कहीं से भी कर देता हूँ, लेकिन बड़े टैटू में नीचे से करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, की से स्टार्ट करा तो की कम्प्लीट, और ये आउटलाइन करके मैं करता जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। गाइस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए गाइस। और टैटू बनने के बाद बताना कैसे लगेगा, कमेंट में आप बता सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, टैटू को मैंने पूरा ब्लैक रखा है, और जो हार्ट है, स्मॉल हार्ट नहीं, जो बड़ा वाला आपको जैसे कि शो हो रहा होगा, वो हम रेड कलर करेंगे उसके अंदर। बाहर से मैं केवल उसमें आउटलाइन करूँगा। तो ये अपन ने स्टार्ट कर दिया है लास्ट फॉन्ट को भी करना। अभी मैं ब्लैक का काम कर रहा हूँ, पर साथ में इसलिए नहीं करते ब्लैक और कलर का काम डायरेक्ट एक साथ, क्योंकि ब्लैक का पहले कर दो तो क्या रहता है कि जो कलर रहता है ना, उसके ऊपर ब्लैक कलर नहीं चढ़ता। लेकिन अगर ब्लैक का हो जाए एक बार और फिर कलर करो ना, तो एक पल हो जाता, सही रहता है। ऐसे में अगर पहले अपन रेड कर दो और बाद में थोड़ा सा कहीं पर फिर ब्लैक करो, तो वो जो कलर अपन जैसे कि जो साफ़ करते हैं हम टिश्यू से, तो वो है ना उस पर लग सकता है गाइस। तो देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आराम से कर रहा हूँ। ये ब्लैक के होने के बाद मैं उसमें रेड कलर डालना स्टार्ट कर दूँगा, देख लूँगा पहले अच्छे से कहीं पर दिक्कत ना है। जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ तो सब ओके है, अब मैं कलर इसमें डालना स्टार्ट करूँगा। तो ये मैंने लिया और आराम से मैं रेड कलर शेड में डाल रहा हूँ, एकदम से डायरेक्ट नहीं डाल रहा हूँ मैं उसको, शेड में डाल रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। बताओ कैसा लगा आपको टैटू, और कमेंट में बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।